हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स। गाइस, तो इस वीडियो में हम देखेंगे गाइस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर इस कॉलेज के लेटेस्ट कट ऑफ गाइस, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपको ये जो कॉलेज है गाइस वो इजीली मिल जाए। और ये कट ऑफ है गाइस उन स्टूडेंट्स के लिए जो टेंथ से डायरेक्ट जो डिप्लोमा है वो करेंगे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको इस कॉलेज की थोड़ी जो डिटेल्स है वो बता देता हूँ। तो ये गाइस एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये एक ऑटोनॉमस भी कॉलेज है गाइस, तो काफ़ी बढ़िया बात है। गवर्नमेंट होने के साथ साथ ऑटोनॉमस भी है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और इस कॉलेज में गाइस आपको काफ़ी सारे जो ब्रांचेस है वो देखने को मिल जाएंगी। और सिविल इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो इंटेक है वो देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा आपको जो इंटेक है वो देखने को मिल जाएगा। और मैकेनिकल में भी अच्छा खासा जो इंटेक है गाइस वो हमें इस कॉलेज में देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल गाइस इस कॉलेज का 860 का जो इंटेक है वो है। तो अब देखते हैं गाइस इस कॉलेज के कट ऑफ्स। तो सबसे पहले गाइस सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पे शिफ्ट है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो कट ऑफ्स है वो देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले गाइस होम डिस्ट्रिक्ट सीट, मतलब जो नागपुर से बिलोंग करते हैं उनके कट ऑफ्स। तो ये है गाइस ओपन कैटेगरी का पिछले साल फर्स्ट राउंड का गया था गाइस 86.40% तक। फिर एससी का है गाइस 78.40, एसटी का है गाइस 60.80, वीजे का है 75.40, और फिर यहाँ पे ओबीसी का है गाइस 84.60। फिर यहाँ पे ओपन लेडीज़ एससी ये भी है, तो आप पॉज करके देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट, तो ये है यहाँ पे ओपन कैटेगरी का 87% एससी कैटेगरी का है गाइस 84%, एसटी का है 72%, ओबीसी का है 86.60%। और इस साल गाइस जो कट ऑफ है उसके बढ़ने के ही चांसेस है, क्योंकि इस साल जो रिजल्ट है वो काफ़ी, मतलब बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लगा है, तो मे बी जो कट ऑफ्स है वो और बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला गाइस कि सिविल इंजीनियरिंग के और भी शिफ्ट्स है, तो यहाँ पे हमें और भी जो कट ऑफ्स है वो देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी आप पॉज करके देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम के ग्रुप पे आपको ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी देख लेते हैं। तो होम डिस्ट्रिक्ट के लिए गाइस जाता है 93.4%, तो अगर इस कॉलेज में आपको कंप्यूटर चाहिए और अगर आपकी ओपन या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी है, तो आपको ऑलमोस्ट 90 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, और ओपन है तो 94-95 भी स्कोर करना पड़ सकता है। ठीक है, एससी है गाइस यहाँ पे 87.80%, एसटी है 79%, वीजे है गाइस 68.80%, ओबीसी कैटेगरी है गाइस यहाँ पे 91.80%। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं गाइस यहाँ पे अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे है ओपन है 92, एससी है गाइस 89, एसटी है 67.80, एनटी 88.40, ओबीसी है गाइस 90.80, और ओपन है गाइस 92.60। कंप्यूटर में हमें शिफ्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं, तो कम सीट्स है, तो ज़्यादा कंपटीशन भी रहेगा। आईटी के लिए गाइस यहाँ पे ओपन कैटेगरी 90%, एससी कैटेगरी है गाइस 85%, ओबीसी है गाइस 89%, लेडीज़ ओपन है 91%। इसका जो इंटेक है वो देख लेते हैं हम। आईटी का जो इंटेक है गाइस वो बस 60 स्टूडेंट का है, और कंप्यूटर का भी इंटेक जो है गाइस वो बस 60 स्टूडेंट का है, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और जो कट ऑफ है वो और भी ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आईटी का अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट अगर देखते हैं, तो ओपन कैटेगरी है 91.2%, एससी है गाइस 85%, एनटी है 79%, ओबीसी है गाइस 90.40%। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका होम डिस्ट्रिक्ट का है गाइस ओपन कैटेगरी का 87%, एससी का है 80%, एसटी का है 77.80%, और ओबीसी कैटेगरी का है गाइस 85%। अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट जनरल ओपन कैटेगरी 88%, एससी कैटेगरी 78%, एसटी है गाइस 83%, और ओबीसी कैटेगरी है गाइस 87%। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट लेवल कट ऑफ भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें भी आपको काफ़ी सारे जो शिफ्ट है वो देखने को मिल जाएगी, इंटेक ज़्यादा है इसका। ओपन कैटेगरी है 85%, एससी है गाइस 80%, एसटी है 70%, ओबीसी कैटेगरी है गाइस 82%। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं अदर देन होम यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ओपन है 85, एससी है 76, ओबीसी है गाइस 82%, और ओपन कैटेगरी 86%। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ कम हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और सेकंड राउंड में और भी कम होता है ये फर्स्ट राउंड के कट ऑफ से। जहाँ पे ज़्यादा इनटेक है थोड़ा कम हो सकता है, बट जहाँ पे कम इनटेक है वहाँ पे जो कट ऑफ है वो ज़्यादा कम नहीं होता है। पैकेजिंग टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे अवेलेबल है। जनरल ओपन कैटेगरी 82%, ओबीसी 62 कम है यहाँ पे कट ऑफ। फिर लेडीज़ ओपन TFWS 63.40%। नेक्स्ट है ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अलग अलग ब्रांचेस मिल जाती है। तो ओपन है गई 78, एससी है 71, एनटी है गई 77, और ओबीसी है गई 73.60%।
नेक्स्ट है गाइज अदर देन होम यूनिवर्सिटीज़ होम डिस्ट्रिक्ट 78, SC 72, OBC 69। फिर नेक्स्ट है गाइज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी शिफ्ट ज़्यादा है तो कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। ओपन है गाइज 87, SC 81, फिर STA 49 और OBC है गाइज 85%। अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो ओपन है 83, SC 81.80, STA गाइज 79.60% और OBC है गाइज 81.60%। ठीक है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के और भी आपको यहाँ पे जो कट ऑफ्स है वो देखने को मिल जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारा जो इंटेक है इसमें है। फिर यहाँ पे मेटलर्जी इंजीनियरिंग ओपन है गाइस 74.2%, SC है 87, STA गाइस 57.40, ओपन कैटेगरी का है 72 और OBC का है गाइस 71। यहाँ पे आपको माइनिंग एंड सर्विंग भी मिलेगा तो ये इसका है, ओपन का 83, SC का है गाइज 80, ST का है 78, OBC का है 78.40 और लेडीज़ ओपन का जाता है 72.40। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म भी देखने को मिल जाता है, मतलब बहुत ब्रांचेस है इस कॉलेज में। ओपन का है गाइज 57.86, लेडीज़ ओपन है 51 और TFWS है गाइज 60। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर भी है यहाँ पे, ओपन का है गाइस 63.60%, OBC का है 49, लेडीज़ ओपन का है गाइस 78 और लेडीज़ OBC का है गाइस 57.20%। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको मैकेट्रॉनिक्स जो ब्रांच है वो भी देखने को मिल जाती है, लेटेस्ट ब्रांच है इस कॉलेज की और काफ़ी कम कॉलेजेस में आपको ऐसे जो ब्रांच है वो देखने को मिल जाएगी। तो ओपन है गाइज 85.20, SC है 78, OBC है गाइज 80.40 और लेडीज़ ओपन है 79.40, SC है गाइज 61.20%। ठीक है, अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट 78 ओपन, SC 69 और OBC 72%। ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स के आपको जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इतने है गए इस कॉलेज में ब्रांचेस, ये गए इस कॉलेज के फर्स्ट राउंड के कट ऑफ। सेकेंड राउंड में भी हमें ज़्यादा जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिल जाता है क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही मैक्सिमम जो सीट्स है वो भर जाती है। सेकेंड राउंड की अगर आपको देखना है तो गाइस टेलीग्राम के ग्रुप पे मैं ये जो PDF है वो डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। उस कॉलेज का जो डिटेल वीडियो है गाइस वो भी मैंने बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। फीस स्ट्रक्चर वगैरह सारी जो चीज़ें गाइस उसमें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना गाइस, होप सो आपको ये जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे।